39वीं कहानी यीशु पैंधै मुकदमा चला सा। ऐबै आधी राती रा बौगत ती, ते सैनिक यीशुऐ पुरोहिते घौरा बै आणै, किबैकि ते यीशु सैंघै सवाल केरना चाहा ती। पतरस दूरा न तिन्हां रा पिछ़ा केरदा लागा ती। ज़ैबै सैनिकै यीशु घौरा नेऊ ता पतरस बाहरै रुकिया आपु बै औगी न गर्म केरदा लागा ती। घौरा आँध्रै यहूदी अगुवै यीशु पैंधै मुकदमा चलाऊ, तिन्हैं तेइरै खिलाफ़ झ़ूठी गैला बोलणै री तैंईंयैं बोहू सारै झ़ूठै गवाह आणै, हालांकि तिन्हरी गैला एकी होरी सैंघै नैंई मिला ती। तैबै यहूदी अगुवै ऐ साबित नैंई केरी सकै कि सौ कौसी गैला रा दोषी ती। यीशुऐ किछ़ नी बोलू। आखरी न पुरोहितै सीधै यीशु धिरै एज़िया बोलू, आसाबै दस कि तू ज़िन्दै परमेश्वरा रा बेटा सा। यीशुऐ बोलू, हांऊँ सा, होर तुसा हांऊँ परमेश्वरा सैंघै बेठा दा होर स्वर्गा न इंदिया हेरना। पुरोहितै आपणै टौलै चीरै, किबैकि ज़ो यीशुऐ बोलू सौ तेसा गैला पैंधै झिकुआ ती। सौ होरी अगुवै पैंधै चिलाऊ, आसाबै दसणै री तैंईंयैं कौसी होर गवाह री जरूरत नी ऑथि कि ऐई मांहणुऐ कि केरू सा। तुसै आपुऐ बोलदा शुणू सा कि सौ परमेश्वरा रा बेटा सा। एथा रै बारै न तुसरा कि फैसला सा? सैभ यहूदी अगुवै पुरोहिता बै जवाब धिना, सौ मौरनै लायक सा। तैबै तिन्हैं यीशु री औछ़ी पैंधै पौटी बौनी, तेई पैंधै थुकू, सौ मारू होर तेइरा मजाक उड़ाऊ। होर पतरस ज़ैबै सौ घौरा बाहरै इंतज़ार केरदा लागा ती, तैबै एक दासी शोहरियै सौ हेरू, तेसै बोलू, तू भी यीशु सैंघै ती। पतरसै नाँह केरू। बादा न कौसी होरी शोहरियै भी ऐ गैल बोली, होर पतरसै फिरी नाँह केरू। आखरी न किछ़ लोकै बोलू, आसै जाँणा सी कि तू यीशु सैंघै ती, किबैकि तुसै दुहै गलीला न ती। तैबै पतरसै बोलू, अगर हांऊँ ऐई मांहणु बै जाँणा सा ता परमेश्वरा मुँभै श्राप देणा। तुरंत पतरसा रा ऐण्ढी तैरा कसम खाणै न बाद एक मुर्गै बांग दिनी। यीशुऐ पिछ़ै मुड़िया हेरू, पतरस तौखै न नौठा होर जोरै जोरै रोंदा लागा। तेई बौगत यीशु बै ढौकणै ध्याणु आल़ै यहूदै हेरू कि यहूदी अगुवै यीशु बै मौती री सज़ा धिनी सा। यहूदा बोहू दुखी हुआ होर जाइया आपु बै मका सा। ऐबै तेई देशा रा राज्यपाल पिलातुस ती, सौ रोम शहरा री तैंईंयैं कोम केरा ती। यहूदी अगुवै यीशु तेई आगै आणु, ते चाहा ती कि पिलातुस तेइबै मौती री सज़ा दे होर तेइबै मकालै। तैबै पिलातुसै यीशु न पुछू कि तू यहूदी रा राजा सा? यीशुऐ जवाब दिना, तैं सच बोलू सा, पर राज्य औखै धरती रा नहीं आथि। अगर होंदा ता मेरे दास मेरी तैंईंयैं युद्ध केरदै। हांऊँ धरती पैंधै परमेश्वर रै बारै न सच दसणै री तैंईंयैं आऊ सा। हर एक मांहणु ज़ो सच्चा सैंघै झ़ुरी रखा सा सौ मेरी शुणा सा। पिलातुसै बोलू, ता सच की सा? यीशु सैंघै गैला केरनै न बाद पिलातुसै बाहरै भीड़ा आगै जाइया बोलू, हांऊँ ऐण्ढी कोई वजह नी पांदा कि ऐ मांहणु मारनै लायक सा। पर यहूदी अगुवै होर भीड़ै रै लोकै चिखिया बोलू, ऐईबै क्रूसा पैंधै चढ़ा। पिलातुसै जवाब दिना, सौ किछ केरनै रा दोषी नी ऑथि। पर ते होर भी जोरै सैंघै बोलदै लागै। तैबै पिलातुसै त्रीजी बारी बोलू, सौ दोषी नी ऑथि। पिलातुस डौरू कि भीड़ा रै लोका लड़ाई केरनी शुरू केरनी, तैबै सौ आपणै सैनिकै रै जरियै क्रूसा पैंधै चढ़ाणै री तकर मनू। रोमी सैनिकै यीशु बै कोड़ै लाए, तेइबै राजै रै झिकड़ै लाए होर तेइरी मुंडी पैंधै कौंडै रा बणाऊआ दा ताज रखू। तैबै ते ऐ बोलिया तेइरा मजाक उड़ांदै लागै, हेरा यहूदी रा राजा।